केजीएफ का रॉकी भाई बनना चाहता था एमपी का ये सीरियल किलर। 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को मौत के घाट उतार चुका था सिरफिरा। फेमस होने की सनक में बन गया सीरियल किलर। मध्य प्रदेश में घड़ी की सुइयां जैसे ही रात की ओर बढ़ती थी, वैसे ही वहां काम करने वाले सिक्योरिटी गार्डों के चेहरों पर दहशत झलकने लगती थी। एक सिरफिरा जो चुन चुन कर सिक्योरिटी गार्डों को मौत दे रहा था, हत्या करने का पैटर्न भी एक जैसा था। अब तक वो 6 सिक्योरिटी गार्डों को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन भला और शिवराज की पुलिस का, जिसने सीरियल किलर को काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया। शुक्रवार को पुलिस ने उसे भोपाल से पकड़ा। पकड़े जाने से पहले पिछले 6 दिनों में वो 4 जाने ले चुका था। इससे पहले भी वो 2 हत्याएं कर चुका था। 1 सितंबर की रात उसने भोपाल के खजूरी इलाके में मार्बल दुकान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले सोनू वर्मा की हत्या की। इसके सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा नजर आया। इसके बाद पुलिस उस तक पहुंचने में सफल रही। 250 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले सागर में 72 घंटे में 3 हत्याएं कर उसने दहशत फैला दी थी। पुलिस के हत्थे छड़े आरोपी का नाम शिव गोंड है। वो सागर के केसली का रहने वाला है और 8वीं तक पढ़ा है। वह गोवा में नौकरी भी कर चुका है और फर्राटे से इंग्लिश बोल लेता है। शिव गोंड ने पुलिस को बताया कि वो केजीएफ फिल्म के रॉकी भाई की तरह गैंगस्टर बनना चाहता था। वो इसके लिए पैसे जमा कर रहा था। उसका अगला निशाना पुलिस वाले बनने वाले थे। उसे लगता था कि इससे वो मशहूर हो जाएगा और लोग उससे खौफजदा हो जाएंगे। शिव गोंड का शिकार बने सभी सिक्योरिटी गार्ड थे। इनमें से 4 की उम्र 40 से 60 साल के बीच थी। सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाने के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आरोपी के मुताबिक उसे रात में सोने वाले सिक्योरिटी गार्ड से नफरत थी। पुलिस की नाक में दम करने वाले सीरियल किलर ने जिन वारदातों को अंजाम दिया, उन सभी का पैटर्न एक जैसा था। वो रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच निकलता था, जब गार्ड सो रहे होते थे। वो नींद में ही उनके सिर पर वार करता था। हथियार के रूप में वो पत्थर, डंडा, हथौड़ा जैसी कोई भारी चीज इस्तेमाल करता था। शिव गोंड अपने शिकारों के साथ कोई लूटपाट नहीं करता था। उसके द्वारा अंजाम दिए गए वारदातों में पुलिस को घटनास्थल से लूटपाट के कोई सुराग नहीं मिले हैं। गार्ड्स को मारने के बाद वो उनका मोबाइल अपने साथ ले जाता था। ऐसा ही एक मोबाइल उसे पकड़ने में पुलिस का मददगार बना। पुलिस ने मोबाइल को ट्रैकिंग पर लगाया तो उसकी लोकेशन भोपाल के बैरागढ़ इलाके में मिली। इसकी मदद से पुलिस उस तक पहुंचने में सफल रही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।